हेटर्स का क्या सीन है, वो लोग अंदर हुए गाइस, अभी कल हम लोग डिसीजन लेंगे क्या करना है। हेटर्स का क्या सीन है, वो लोग अंदर हुए गाइस, अभी कल हम लोग डिसीजन लेंगे क्या करना है। उनको एक चिल्लर जेल बोल के वहाँ भेज सकते हैं, बट उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एंड आई डोंट थिंक आई एम सो कोल्ड हार्टेड दैट आई लेट द पेरेंट्स सफ़र बिकॉज ऑफ वॉट देयर किड्स डू। एंड देयर पेरेंट्स आर वेरी गुड पीपल, सीइंग देम क्राई, टू ऑफ देयर डैड वर क्राइंग, एक की मदर रो रही थी बहुत बुरी तरीके से, इट ब्रोक माई हार्ट काइंड ऑफ, आई नो। सो लेट्स सी, अभी कल हम लोग कॉल, मतलब हम लोग क्या, मैं कॉल लूँगा कि क्या करना है। वी आर नॉट लेट देम गो, बाय प्लीज फॉरगिव देम, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग व्हाट टू डू। देखते हैं, आप लोग बोलो क्या करना चाहिए, छोड़ दे, जाने दे घर, उनके करियर खराब हो जाएंगे। कैसा होता है एक पुलिस स्टेशन में, एक चीज़ मुझे पता, जैसे आप, मुझे तो पता ही था चार्जशीट नाम की चीज़ होती है, तो 24 आवर्स तक चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए, अभी वो डिले हो रहा है। तो चार्जशीट अगर उनके लाइफ नाम पे लग गई एक बारी, तो उनके करियर्स में बहुत रिस्क आएगा। कल मैं, बहुत लोग ज्ञानी लोग थे मेरे इंस्टा पे आ रहे थे, 18 से नीचे कुछ नहीं होगा। आई वॉज विशिंग कि वो लोग भी उनके साथ होते, तो उनको भी एक्सपीरियंस मिल जाता कि 18 से नीचे क्या होता है क्राइम करने का नतीजा। फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट, अरे मतलब अगर उनको वो लोग छोड़े भी जाएंगे ना, तो उनके नाम से सब, उनका फादर वादर का नाम, सिग्नेचर सब लिया जाएगा। और इनफैक्ट ये भी बोला है पुलिस वालों ने कि इसका रेप्लिकेशन ये है कि कल को कोई और भी आके अटैक कर देता है, तो दे फोर विल बी द फर्स्ट वंस टू बी अरेस्टेड अगेन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एड्रेसेस।